तो देखने को मिल सकता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। हालांकि खबर ये है, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चा है कि आज रामनिवास रावल यहां पर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है, मंच की ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं और बस कुछ ही पल की, और अगर हम गलत नहीं है तो रामनिवास रावल इस वक्त मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के यहां की सीधी तस्वीरें ये बयां कर रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और उनको कहीं ना कहीं एक इनाम है। बीजेपी के लगातार नजर आ रहे थे, कांग्रेस छोड़कर के वो बीजेपी में आए हैं, बड़े कद के नेता माने जाते हैं और इसीलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको उचित स्थान दिया जा रहा है और उसका एक संदेश भी जाएगा। सीधी तस्वीरें राज्यपाल बोल रहे हैं, मैं रामनिवास रावल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्ता और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, शपथ ले ली है रामनिवास रावत। देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि रामनिवास रावत शपथ लेंगे और न्यूज स्टेट ने यह खबर सबसे पहले दिखाएगी और देखिए यहां पर रामनिवास रावत ने आज शपथ ले ली है। ये बड़ी खबर है और बड़ी अचानक से ये खबर आई और उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन रामनिवास रावत के नाम की चर्चा सबसे पहले जो शुरू हुई उसके बारे में दर्शकों को न्यूज स्टेट ने सबसे पहले बताया। और ये देखिए, अब रामनिवास रावत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य मंत्री हो गए हैं और देखिए शपथ ग्रहण के बाद महामहिम उन्हें उनका अभिनंदन करते हुए कहीं ना कहीं उनको बधाई देते हुए, खास बात यह है कि ओबीसी का बड़ा चेहरा है, बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को काफी मजबूती दी है रामनिवास रावत ने। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया और जो इंटरनल रिपोर्ट्स थी उन इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग में 4 सीटें उस इलाके में ऐसी थी जहां पर बीजेपी को अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन रामनिवास रावत को पार्टी में शामिल करा करके कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को एक बहुत ज्यादा मैसेज दिया गया बड़ा और ओबीसी वर्ग के वोटर्स बीजेपी के साथ आए और ये माना जा रहा है कि 4 सीटों पर उस इलाके की कहीं ना कहीं जो जीत मिली है वो रामनिवास रावत की वजह से मिली और कहीं ना कहीं उसी रिपोर्ट का उसी एक उनके प्रभाव का ही ये असर है कि उन्हें आज मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ा तोहफा भी हम कह सकते हैं कि रामनिवास रावत को पार्टी की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से ये बड़ा तोहफा मिला है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को बड़ा झटका मिला था, लेकिन बीजेपी को यहां पर बड़ी जीत मिली जैसे ही
तो देखिए राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, एक अहम जिम्मेदारी अब उनके और देखिए जैसे की उम्मीद थी, जैसे की जानकारी थी कि एक मंत्री को ही शपथ दिलाई जाएगी, कई तरह की अटकलें थी, ये कहा जा रहा था कि कुछ एकाध मंत्रियों को और शपथ दिलाई जा सकती है। गोपाल भार्गव के पास भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी शपथ लेंगे, क्योंकि देखिए सागर से रवाना हो चुके थे, भोपाल आ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंत्री पद को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे और अब आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लगा और यहां पर आज शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें आप देखिए। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराया गया और उसके बाद सिर्फ एक मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया, उसी की ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें थी। और अब रामनिवास रावत छत्तीसगढ़ की मोहन सरकार में मंत्री हैं और देखिए हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और खास बात यह है कि ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, बहुत अच्छा खासा प्रभाव ओबीसी वर्ग पर है। ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा मजबूती इन्होंने बीजेपी को दिलाई और खास बात यह भी मानी जा रही कि लोकसभा चुनाव में जो क्लीन स्वीप की है बीजेपी ने, ग्वालियर चंबल संभाग की जो उस पूरे इलाके की चार लोकसभा सीटें आती हैं वहां पर रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने का फायदा बीजेपी को मिला है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करने में आसानी हुई। और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा इस खबर पर लाइव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल देखिए बहुत सी अटकलें थी, ये कहा जा रहा था कि रामनिवास रावत का नाम तो सामने आ गया और न्यूज स्टेट ने सबसे पहले उनके नाम का जिक्र भी किया, लेकिन कुछ और मंत्रियों के बारे में भी अटकलें थी, लेकिन अब तो कम से कम साफ कि एक मंत्री को शामिल कराया गया है। अब अगले मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार करना होगा, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या, क्या विभाग मिलेगा? देखिए बिल्कुल न्यूज स्टेट की जो खबर थी उस खबर पे मोहर लग चुकी है और न्यूज स्टेट कल शाम से ही ये बात बता रहा था कि रामनिवास रावत एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिन्हें आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलवाई जाएगी, गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। और हुआ भी यही, राजभवन में हमने जिस तरीके से देखा कि अभी तक उन्होंने शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, उसके बाहर की कुछ हलचलें हैं। देखिए वो हलचलें दिखाता भवन की तस्वीरें, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे, हालांकि राज्य मंत्री की शपथ उनको दिलाई गई है। और उसके बाद अब देखिए ग्वालियर चंबल अंचल कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल ही है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए जीत और हार तय करता है मध्य प्रदेश के अंदर, लोकसभा के अंदर। जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से 30 अप्रैल को एक बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर होता है और कांग्रेस के कद्दावर जो नेता थे रामनिवास रावत वो बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं और उसके बाद आज उनकी मंत्रिमंडल में ताजपोशी की जाती है। देखिए पूरे मामले को समझना होगा क्योंकि ये पूरा मामला ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में रामनिवास रावत को ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है और लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी पूरे मिशन 29 के तहत काम कर रही थी तो ये मान के चल रहा जा रहा था कि रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी तस्वीर बीजेपी के लिए साबित होंगे। और उसी के बाद हमने देखा किस तरीके से, ना केवल गुना की बात करूं मैं, ग्वालियर की बात करूं, भिंड मुरैना की बात करूं, तमाम क्षेत्र में देखिए जिस तरीके से रामनिवास रावत ने तमाम जगह अलग अलग जाके बीजेपी के लिए प्रचार किया, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और खास तौर पे जो उनका वर्ग है यानी कि ओबीसी जो वर्ग है जो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है, जीत और हार की जो एक चाबी है वो सीधे तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में ओबीसी वर्ग के लिए रहती है। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरे के तौर पर रामनिवास रावत वहां पे दिखाई दिए। आज जब शपथ हुई शपथ में तमाम जो मंत्री थे वो मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो सीएम हाउस से निकले थे और अब राजभवन के अंदर उन्होंने शपथ ली और राजमंत्री के तौर पर अब मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होते हुए दिखाई दिए। देखिए इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से मध्यप्रदेश के सियासी गणित को कांग्रेस और बीजेपी दोनों समझने की कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान कर रही थी और इस बात की कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा था ग्वालियर चंबल अंचल के दौरान कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा के दौरान हमने देखा था कि बीजेपी का वोट शेयर में प्रभावित हुआ था। तो इस समय बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत एक पूरा चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं अभिमन्यु के तौर पर रामनिवास रावत सामने निकल के आए थे और जिस तरीके से एक पूरा चक्रव्यूह हमने देखा कि किस तरीके से तमाम सियासी समीकरण चेंज हुए, खासतौर पर अगर हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, वहां पे जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार रहा तो सीधा फायदा इसका बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में रामनिवास रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी खासतौर पर। अतुल देखिए मुरैना की बात कर ली, ग्वालियर की बात कर ली, गुना की बात कर ली, यहां पर जो है कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा था। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट थी कि भाई मामला थोड़ा टाइट है और वो रणनीति बनाई गई और उधर छिंदवाड़ा का जो किला